यह पंडाल श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के तर्ज पे बना है। इसको बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा। 25 मजदूर रात दिन काम करके इस पंडाल को बनाए हैं। कितनी लागत लगी होगी इस मंदिर को बनाने में? क्या इस बार थीम आया कि राम मंदिर ही बनाए आप? इसमें लागत लगभग 40 लाख के आसपास लगा है। और इस राम मंदिर के बनाने के बारे में हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, जिससे आम भक्तों को अयोध्या में राम जन्म भूमि मंदिर का दर्शन हो सके। लोगों की यहाँ भीड़ आ रही है दर्शन करने के लिए, किस तरीके से यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है? आप क्या व्यवस्था की गई है आपकी कमेटी की तरफ से? हमारे कमेटी के तरफ से थर्मल स्कैनिंग, मास्क वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। यह हर साल की बात, इस साल भी कोरोना काल में जो ये राम मंदिर बनाया गया है, करीब 1 महीने से यहाँ कारीगर काम कर रहे हैं, जो कि मूर्ति यहीं बनती है, पंडाल यहीं बनती है, और कम से कम 25 साल से 30 साल के बीच हो चुका है इस समय। और यहाँ पर तो समझ लो कि बनारस और इलाहाबाद यानी भदोही ज़िला में सबसे टॉप यहाँ पर पंडाल बनती है। और यहाँ पर सप्तमी, अष्टमी, नवमी यानी ये चौचक भीड़ होती है। और यहाँ पर गोपीगंज का जो प्रसिद्ध भरत मिलाप है, उस दिन तो यहाँ दिन और रात को पता ही नहीं चलता है कि दिन है कि रात है। 24 घंटा ही भक्तों का रेला लगा रहता है। पंडाल के विषय में क्या कहेंगे? पंडाल तो हर साल यहाँ पर एक से एक बढ़कर, चाहे उज्जैन मंदिर हो, राम मंदिर हो, कारगिल हो, और बहुत से अनेकों ये धार्मिक स्थल का पंडाल यहाँ पर बनाया जाता है। हर साल एक नया से नया पंडाल के रूप में दिया जाता है।